हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बहुत बड़ा खेला हो गया, ऐसा खेला जिसके बारे में शायद कांग्रेस ने भी सोचा नहीं होगा, क्योंकि संख्या बल के आधार पर तो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित थी। हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की, तीन निर्दलियों को मिलाकर 43 विधायकों का समर्थन भी, लेकिन इसके बावजूद राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मूंगी खानी पड़ी, उसे बीजेपी ने मात दे दी, जिसके पास इस पहाड़ी राज्य में केवल 25 विधायक हैं। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा की एक सीट पर हो रहे चुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। कांग्रेस के 6 विधायकों और 3 निर्दलियों ने बीजेपी के हर्ष महाजन के पक्ष में वोट डाला। वोटों की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस की धड़कनें भी बढ़ती गई। हिमाचल प्रदेश के कई विधायक पंचकुला के सेक्टर 1 PWD रेस्ट हाउस पहुंचे, जिसमें कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय भी थे। फिर मतगणना हुई, दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले। सस्पेंस बढ़ता चला गया, नतीजे टाई होने के बाद पर्ची डाली गई, जिसमें बीजेपी के हर्ष महाजन की जीत हो गई। हिमाचल में जश्न का माहौल देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हर्ष महाजन की जीत को लेकर केंद्र नेतृत्व को बधाई दी। कांग्रेस हार गई राज्यसभा के विश्वास प्रस्ताव कराएंगे, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट होगा, उन सारी चीजों को लेकर के आ गया। मैं सबसे पहले तो भारतीय एक मिनट भाई, सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूं। बहुत शानदार मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी, वहां बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं। और एक बार फिर से भाई हर्ष महाजन जी को बहुत बहुत बधाई, और उनके साथ साथ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बिंदल जी, सारी टीम इस काम में लगी थी और इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। जयराम ठाकुर ने आगे यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सही बात होगी हमारी, इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने पद से मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए। कुल मिला के अब कह रहे हैं कि जब विधायकों ने साथ छोड़ दिया तो जनता कैसे विश्वास करेगी? बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं, एक साल में ही विधायक छोड़ करके चले गए, आप कल्पना करें। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर निशाना साधा और कहा कि उन विधायकों ने अपना ईमान बेच दिया है। जैसा कि सिंघवी साहब ने कहा, शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आजाद उम्मीदवार हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं, और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया, तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता, जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। अब वो हिमाचल की संस्कृति में ऐसा नहीं था, हिमाचल की संस्कृति में जो जिस पार्टी से चुनकर आता था उसमें विरोधाभास रहता ही है, लेकिन जब वो चुनकर आए तो उन्होंने अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। इससे आगे मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता इस प्रकार की संस्कृति की आदी नहीं है। वहीं हर्ष महाजन की जीत के बाद कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस की पूरी लीडरशिप का धन्यवाद किया और शायराना अंदाज में अपनी बात रखी। मन बदलाव किया लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके, इसलिए 34-34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नहीं चीज़ हुई है कि 34-34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया, और 34-34 का आंकड़ा स्वाभाविक आया, एक वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ,
सेकंड प्रेफरेंस वोट भी एक भी नहीं था, ये इस चुनाव की विशेषता है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता कि उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निर्णय हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो हुआ सो हुआ, हमको भविष्य का सोचना चाहिए। और एक आश्वासन दे के मैं हिमाचल से जा रहा हूँ, हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने इतना प्रयत्न किया उनको सिर्फ मैं कह दूँ विनम्रता से, पलट के आऊँगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊँगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूँ मैं, मौसम जरा बदलने दो। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से विधानसभा का समीकरण भी डगमगाता नजर आ रहा है। कांग्रेस सूबे की सत्ता में होने के बाद भी राज्यसभा चुनाव हार चुकी है, यानी सुखविंदर सरकार के लिए भी सियासी संकट गहरा गया है। अब सवाल ये है कि इस खेला के बाद आगे क्या होगा। अब या तो बागियों को इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर सभी की सदस्यता रद्द होगी। बहरहाल संभावना है कि हिमाचल विधानसभा के अगले सत्र में बीजेपी शक्ति परीक्षण की मांग कर सकती है, क्योंकि इस क्रॉस वोटिंग से विधायकों के बीच नाराजगी तो जग जाहिर हो ही चुकी है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल और पंचकुला से राज ठाकुर की रिपोर्ट।